चार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड टेक में। आज का वीडियो एकदम खास है, क्योंकि आज का वीडियो है, ये पहला ही वीडियो है हमारा है जो ई बाइक के ऊपर है। तो ये देखो, ये ब्रशलेस जो मोटर आती है, BLDC मोटर आती है, ये मोटर लगी हुई है इसमें, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो ये ई बाइक है, जैसे मैंने बताया, जो बैटरी चार्ज करके बैटरी पर चलती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्सीलेटर दिया ना, तो कुछ हो नहीं रहा है। ये देखो, इग्निशन चालू है, बैटरी भी फुल है, ठीक है। अभी ये देखो, ये कुछ हो नहीं रहा है। और अभी मैं टायर को थोड़ा सा धक्का दूंगा ना, तो ये देखो, ये ऐसे झटके देके मोटर चल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये असल में मोटर का प्रॉब्लम है, मतलब मोटर का भी नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें मोटर चेंज करनी पड़ती है। और मोटर के जो प्राइस होते हैं, वो 5-6 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये खर्च आता है। और ये ई बाइक के नहीं है, ये नहीं है जो ई रिक्शा वगैरह जो भी BLDC मोटर्स वाली व्हीकल्स है, उसमें ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ टेक्निक, वो लागू होती है। तो इधर देखो, इधर इसके हाल इफेक्ट सेंसर होते हैं मोटर के, तो इसमें 3 सेंसर लगे हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये असल में सेंसर का होता है, इसके लिए हमें मोटर चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ये सेंसर कैसे चेंज करते हैं और ये प्रॉब्लम दूर कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जो हाल इफेक्ट का बोर्ड है, ये मैं अभी निकाल देता हूँ यहाँ से। तो ये चिपका ये होते हैं, थोड़े जाम होते हैं, तो अभी सोल्डरिंग मशीन से हमें निकालना पड़ेगा। आ गया, क्या करना पड़ेगा आपको, ये सोल्डरिंग से जो सेंसर है, ये थोड़ा गर्म करके लेना पड़ेगा। गर्म करेंगे ना, तो चिपकाया हुआ जो ग्लू है ना, वो मेल्ट हो जाएगा, और पकड़ से खींचोगे ना, तो इजीली वो आ जाएगा। अब ये देखो, ये थोड़ा मैंने गर्म किया, ये देखो, ये आ गया, ठीक है। तो ये तीनों सेंसर इसी तरह आ गए। और ये देखो, ये नए हाल इफेक्ट सेंसर हमने मंगाए, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में या फिर अमेजोन पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये बहुत सस्ते होते हैं, ये कुछ 200-250 रुपये में 10 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमें लगाने हैं। तो ये देखो, ये तीनों हाल इफेक्ट सेंसर है, ये हमने बिठा दिए। तो हाल इफेक्ट सेंसर क्या होता है आप पूछोगे, तो हाल इफेक्ट सेंसर, इसमें जो मैग्नेट होता है ना, उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो सेंस करता हुआ है, और जो कंट्रोलर होता है हमारे मोटर को, उसको सिग्नल देता है, और जो कंट्रोलर है वो उसी हिसाब से जो हमारी मोटर है उसमें वोल्टेज भेजकर उसको घुमाता है, मतलब उसको करंट देता है या फिर उसको रन करता है, ठीक है। तो ये हाल इफेक्ट सेंसर एक ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक में, वो होते हैं, ठीक है। और यही जो सेंसर है, ये हमारे जो स्पीडोमीटर रहता है, डिजिटल स्पीडोमीटर, उसका सेंसर रहता है, उसी में भी ये यही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इधर जो ट्रैक टूटा था, उधर हमने तार लगा दी, ये देखो, ये वायर के साथ जोड़ दी जिधर ट्रैक जाता था उधर। तो अभी हम लगाते हैं, तो लगा के सिर्फ टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या है, इसको चिपका देंगे एरल डाइट से। तो अभी मैं इसकी जगह में ये तीनों लगा देता हूँ, ये देखो, ये तीनों लगा दिए, और अभी चालू करके देखता हूँ। एक चाबी चालू की, और ये देखो, मोटर हमारे एकदम प्रॉपरली रन हो रही है। तो अब देखो, ये जो मोटर बदलने का खर्चा है, ये बच जाता है, और सिर्फ हमारा 200-250 रुपये में ये काम हो जाता है। और जो ये जो प्रॉब्लम होता है ना मोटर का, रन ना होने का, और थोड़ा सा धक्का देके रन होने का, वो जो ये जो सेंसर है हमारा हाल इफेक्ट सेंसर, उसी का ही 99% प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कौन सी भी BLDC मोटर है, मतलब ब्रशलेस मोटर है, जिसमें हाल इफेक्ट सेंसर है, उसमें ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आप ये 10 सेंसर मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, ठीक है। अभी हम ये एरल डाइट से, ये हमने दोनों ट्यूब जो होते हैं ये मिक्स कर लिए,
तो इससे क्या है एकदम प्रॉपरली जो सेंसर है वो चिपक जाएंगे और हिलेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं वैसे भी, ठीक है। और ये इसके जो तीन खाँच होते हैं उसमें प्रेस करके लगा लेने होते हैं। ये लग गए, अभी ये थोड़ी देर पकड़ के रखता हूँ ताकि एकदम प्रॉपरली बैठ जाए और सूख जाए। एक 5 मिनट तक ये पकड़ के रखता हूँ। ये अब देखो, अब हमारे पास जिप टाई जो होती है वो अवेलेबल नहीं, इसलिए हमने इसको इस धागे से बांध दिया है और प्रॉपरली बैठ गया ये। और जो ज़्यादा धागा है ये इस तरह तोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये अभी प्रॉपर हो गया। तो ये जो कैप है ये यहाँ पे लगा देते हैं इसमें, और ये इसके स्क्रू है, ये मैं ये लगा देता हूँ और आपको फाइनल चेक करके दिखाता हूँ। पूरा फिटिंग है ये कंप्लीट हो गया है और अभी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो स्पीड वगैरह एकदम प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है और ये जो हमारी मोटर है एकदम प्रॉपरली रिपेयर हो गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।